डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? डिस्ट्रीब्यूट कर देना, डिवाइड कर देना। अ मॉडल वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर रनिंग ऑन मल्टीपल कंप्यूटर्स। एक एप्लीकेशन जो कि मल्टीपल कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो रही है। ये मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिफरेंट तरह के कंप्यूटर जो कि अवेलेबल है। हर एक सिस्टम का अपनी रैम, अपनी मेमोरी, सब कुछ है, और ये सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू कॉन्कैटिनेट है। वी लेट ये वाला जो कंप्यूटर है, इसने कोई टास्क प्रोवाइड किया, इसने कोई प्रोसेस सबमिट किया, ठीक है। जैसे ही इसने प्रोसेस किया है, तो इसको महसूस तक भी नहीं होगा कि इसका दिया हुआ जो टास्क है वो सिर्फ यही एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, बल्कि वो डिफरेंट चंक्स में डिफरेंट पार्टीशन में करके उसको सारे के सारे सिस्टम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। एक ही टाइम में एक टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है मुख्तलिफ सिस्टम्स को, और मुख्तलिफ सिस्टम मिलकर उस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। ऑब्वियसली वो टास्क जैसे एक सिस्टम एग्जीक्यूट करेगा वो जल्दी एग्जीक्यूट होगा, जो मल्टीपल सिस्टम मिलकर करेंगे तो वो एग्जीक्यूट होगा। ऑब्वियसली जो मल्टीपल सिस्टम मिलकर एक टास्क को एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर यही था कि हम एक ही एप्लीकेशन को, एक ही टास्क को मुख्तलिफ सिस्टम पर डिवाइड कर देते थे, मुख्तलिफ सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। अ प्रोसेस मे बी रनिंग ऑन अ डिफरेंट कंप्यूटर, एक प्रोसेस एक टास्क मुख्तलिफ सिस्टम पर एग्जीक्यूट हो रहा होता था, जबकि द डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ द सिस्टम इज हिडन फ्रॉम अ प्रोसेस। प्रोसेस को इस बात का बिल्कुल नॉलेज तक नहीं होता था कि वो मल्टीपल सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो रहा है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम देन मैनेज अ ग्रुप ऑफ द डिस्टिंक्ट कंप्यूटर्स एंड मेक देम अपीयर टू बी सिंगल कंप्यूटर्स। जैसा कि इस एग्जांपल के अंदर मैंने बताया था आपको, ये हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, एक्चुअल में ये मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, जबकि यूजर को ये एज ए सिंगल कंप्यूटर ही शो होता है। वेरियस इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स कम्युनिकेट ईच अदर्स यूजिंग अ शेयर्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क टू सर्व मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन एंड मल्टीपल यूजर्स। यहाँ पे कोई बात, जब हमने इस सिस्टम ने कोई भी टास्क सबमिट किया, इसके सबमिटेड टास्क को हमने डिफरेंट सिस्टम पर डिवाइड कर दिया और डिफरेंट सिस्टम ने मिलकर उस टास्क को एग्जीक्यूट किया। अब ये एग्जीक्यूशन के दौरान सारे के सारे सिस्टम आपस में कम्युनिकेट करते हैं, सिस्टम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट नेटवर्किंग के थ्रू करते हैं, और फाइनली हमें आउटपुट या उस टास्क को एग्जीक्यूट करते हैं। इट डायनामिकली अलोकेट्स प्रोसेस टू द रैंडम सीपीयू। किसी भी सीपीयू को हम कोई भी प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसीलिए हम इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। तो किसी भी सीपीयू, किसी भी प्रोसेस को, प्रोसेसर को हम कोई भी टास्क असाइन कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट सिस्टम प्रोसेस देयर ऑन मेमोरी यूनिट एंड सीपीयू। हर एक सिस्टम का अपना सीपीयू होता है, जैसा कि हर तरह के कंप्यूटर में अपना ही उसका सीपीयू है, अपनी उसकी मेमोरी है, अपनी उसकी डिस्क है। दीज आर रेफर्ड एज अ लूजली कपल सिस्टम। इसी वजह से हम इन सिस्टम्स को लूजली कपल सिस्टम का नेम देते हैं। वो लूजली कपल सिस्टम का मतलब कि जहाँ पे हर सिस्टम की अपनी इंडिपेंडेंट रैम, अपना सब कुछ होता है। प्रोवाइड फास्ट प्रोसेसिंग एंड लेस लोड ऑन द होस्ट। ऑब्वियसली एक टास्क वो जो एक ने करना है, और वो एक टास्क वो जिसने मल्टीपल सिस्टम में मिलकर करना है, वो ज़्यादा एफिशेंटली करेंगे, और होस्ट कंप्यूटर जिसने वो टास्क सबमिट कराया है उस पर लोड बहुत कम होता है। इन सिस्टम में से अगर कोई भी सिस्टम फेल हो गया, बी लेट ये वाला सिस्टम फेल हो गया, इसने अपनी वर्किंग स्टॉप कर ली, तो अभी इसी सिस्टम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, बाकी सिस्टम तो काम कर रहे हैं ना, ओवरऑल नेटवर्किंग में कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हाँ बता, अगर दरमियानी कम्युनिकेशन नेटवर्किंग जिसके थ्रू वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वही उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, वही वर्किंग छोड़ देता है, उस वक्त ये प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है।